Hello students, good morning. Today we are going to learn Unit 6, The Girl with Magic Eyes, Activity 2. First activity में हमने story देखा था, देवी और रिया दोनों best friend थे, और फिर देवी को एक stranger man मिलता है, और वो उसको magic eyes gift करता है, okay? फिर मैंने आपको बोला था कि आप इसकी स्टोरी कंटिन्यू करोगे और अपनी स्टोरी आप मम्मी को सुनाओगे। अब हम देखते हैं एक्चुअली स्टोरी में क्या हुआ। ओके, एक्टिविटी 2 पार्ट 2, द गर्ल विथ मैजिक आइस। देवी रीच्ड द हाउस एंड रेंग द डोरबेल टिल हर मदर ओपन डोर। देवी घर पहुंचती है और कंटिन्यू बेल बजाते हैं जब तक उसकी मम्मी दरवाजा खोल नहीं लेती। As soon as she showed her mother, she threw away her bed and hugged her tightly. Her mother was surprised. She said, "What happened, Devi? Any problem? Calm down and tell me." जैसे वो घर मम्मी उसका दरवाजा खोलती है ना, वो अपना बैग साइड में फेंक देती है, ऑलमोस्ट फेंकने की जैसा ही कर देती है, और फिर अपनी मम्मी को जोर से गले लगाती है। उसकी मम्मी ये देख के सरप्राइज हो जाती है। क्या हुआ है देवी, कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बताओ बेटा, शांत हो जाओ, ऐसा करके उसकी मम्मी उसको बोलती है। देवी सेड, आई हैव गॉट मैजिक आइस। देवी बताती है, मुझे मैजिक आइस मिली है। व्हाट, व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक आइस, सेड हर मदर। उसकी मम्मी बोलती है, क्या मैजिक आइस क्या होता है। आई डोंट नो, आई मेट अ स्ट्रेंजर नियर आवर हाउस। He asked me for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. क्या बोलती है वो, मैं घर के बाहर एक स्ट्रेंजर मैन से मिली, उसने मुझे पानी पूछा, मैंने उसको पानी दिया और उसने मुझे मैजिक आई दी। Her mother looked worried. I don't know what you are talking about. Haven't I asked you to not to talk stranger? How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. उसकी मम्मी गुस्से में बोलती है। एक तो गुस्सा आ जाता है और चिंता भी होती है ना मम्मी को कि वो किसी स्ट्रेंजर मैन से बात कर रही थी। उसकी मम्मी ने बोला, मैंने कितनी बार मना किया बेटा कि आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, और आपको कैसे कोई मैजिक आइस दे सकता है, और आपकी आइस तो नॉर्मल है, हमारी जैसी ही आइस है, मुझे तो इसमें कोई मैजिक नहीं दिख रहा। देवी didn't say anything. देवी ने कुछ नहीं बोला। She played for some times, watched TV, did her homework and her dinner and went to bed. उसने डेली जो काम करती थी, टीवी देखना, होमवर्क करना, खाना खाना, और सो जाना, वही काम किया। She had strange dream at night. और वो रात को एक अजीब सा सपना देखती है। She saw two beautiful huge eyes in front of her. वो अपने सामने दो बड़ी बड़ी आंख देखती है। The eyes were blue like the sea. She could see the whole city inside the eyes. She entered into the eyes and started walking through a street. She saw a shop full of chocolates and biscuits. Her mouth started watering. She said, "Please come to me, chocolates." जब वो रात को सो रही होती है, उसको सपने में दो बड़ी आइस आती है, और वो आइस ब्लू कलर की दिखती है, बहुत बड़ी होती है, उसमें उसको पूरी सिटी दिखती है। वो उसके अंदर एंटर होती है और उसमें गलियों में घूमती है, और उसको बड़ी बड़ी शॉप्स दिखती है जो किससे भरी होती है, चॉकलेट और बिस्किट से। उसका माँ उसके मुँह में तो पानी आ जाता है और बोलती है, प्लीज़ चॉकलेट मेरे पास आओ। As she kept on looking at the chocolates, a ray of light came out of her eyes and touched the chocolate. Immediately, they started floating in the air and came toward her. She caught the chocolates and dropped them in her bag. She made a mountain of chocolates and sat on top of them. अब जब वो चॉकलेट को बुलाती है तो क्या होता है? उसका आँख से एक लाइट आती है, रे आता है, और वो चॉकलेट पे जाता है, चॉकलेट को टच करता है, और तुरंत ही जो चॉकलेट है वो हवा में उड़ने लगती है, और वो उस लड़की के पास, देवी के पास आ जाती है। देवी उसको पकड़ के अपने बैग में रख देती है, और ऐसे वो बहुत सारी चॉकलेट्स इकट्ठा करती है, उसका माउंटेन बनाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है।
draw two beautiful huge blue eyes. यहाँ पे आपको दो अच्छी सी दो सुंदर ब्लू कलर की आइस ड्रॉ करनी है. और दूसरा क्या करना है, ड्रॉ चॉकलेट फ्लोटिंग इन द एयर, ड्रॉ माउंटेन ऑफ चॉकलेट. आपको हवा में उगती हुई चॉकलेट ड्रॉ करनी है और ड्रॉ माउंटेन ऑफ चॉकलेट यानी कि चॉकलेट का पूरा पहाड़ बनाना है. When she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. सुबह जब उठती है उसको अपना सपना याद था और वो स्माइल कर रही थी. She went to the bathroom and looked at the toothbrush. सुबह वो जाती है बाथरूम में और ब्रश की तरफ देखती है. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." अब जो सपने में उसने देखा था वही ट्राई करती है कि toothbrush मेरे पास आओ. And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. It touched the toothbrush, lifted in gently and moved it towards her. क्या हुआ, जैसे सपने में चॉकलेट उड़ने लगी थी ना वैसे ही क्या हुआ, यस टूथब्रश जो है वो उड़ने लगा और उसके साइड मूव होने लगा. द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर और ब्रश है वो उसको ऑलमोस्ट ब्रश करने लगा. She caught hold of its and looked at its shock. वो उसको पकड़ती है और शॉक हो जाती है. She brushed her teeth. अपना टीथ है वो ब्रश करती है. Washed her face. अपना फेस वॉश करती है. And looked at the towel. फिर वो टॉवल को देखती है. Then she thought, let me try once more. और वो बोलती है चलो मैं फिर एक बार ट्राई करती हूँ. Said, please come to me, towel. और फिर वो टॉवल को बोलती है प्लीज मेरे पास आओ. दिस टाइम व्हेन द लाइट टच द टॉवल एंड सेंट इट फ्लाइंग टुवर्ड्स हर, जैसे ही उसने बोला फिर से लाइट आई आंखों से और जो टॉवल था वो उड़ने लगा और उसके पास आने लगा. शी वॉज रियली रेडी टू कैच इट, और वो रेडी थी उसको कैच करने के लिए. शी रैन टू हर मदर एंड सेड, वो अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आइस, बोलती है मम्मी देखो मेरी मैजिक आइस देखो. बिफोर हर मदर कुड अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, अ नंबर ऑफ थिंग्स वर फ्लोटिंग इन द एयर इन द किचन. वो कुछ बोलने उससे पहले ही उसकी मम्मी ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हवा में उड़ रही हैं. What things do you think were floating in the kitchen? What do you think Devi might have said to get them to come to here? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें उड़ रही होंगी और कौन सी चीज़ को देवी ने बोला होगा कि मेरे पास आओ. Things floating. This is what Devi said. यहाँ पे जैसे कि प्लेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है. आप प्लेट्स को बुलाने के लिए क्या बोलेगी, प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स. वैसे किचन में जो जो चीज़ें होती हैं आप उसके नेम्स लिखोगे और बोलना है प्लीज़ कम टू मी. ठीक है, आपको इमेजिन करना है यहाँ पे. हर मदर रैन आउट ऑफ द रूम एंड वॉक अप हर फादर. वह अपनी मम्मी उसकी मम्मी क्या करती है वहाँ से दौड़ने लगती है और उसके पापा को उठाती है. देवी रन टू द टेलीफोन एंड कॉल्ड हर फ्रेंड रिया. देवी क्या करती है फ़ोन उठाती है और अपनी फ्रेंड रिया को कॉल करती है. देवी सेड, रिया आई हैव गॉट मैजिक आइस. रिया मुझे ये मैजिक आइस मिली है. रिया कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. रिया कुछ समझ नहीं पाती है. मैजिक आइस, व्हाट टू डू यू मीन. देवी सेड, प्लीज कम टू माई हाउस इमीजिएटली, लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू. बोलती है पहले तुम मेरे घर पे आओ फिर मैं आपको बताऊंगी, रास्ते में बताऊंगी कि मैजिक आइस क्या है. एज बोथ ऑफ देम वॉक टू स्कूल देवी शोड रिया व्हाट शी कुड डू विथ हर मैजिक आइस. रास्ते में जाते जाते देवी ने रिया को दिखाया कि वो अपने मैजिक आइस से क्या कर सकती है. दे वर वेरी एक्साइटेड बाय द टाइम दे रीच्ड द स्कूल. वो स्कूल तक पहुँचे तब तक वो बहुत खुश थे, अलग अलग चीज़ें कर रहे थे ना तो एक्साइटेड थे. द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड. क्लास में जाते ही टीचर आए, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे डे लिखा, टॉपिक लिखा. रिया शो अतुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग अ पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट ऑन एट बॉय इन द फर्स्ट रो. उसने देखा कि जो अतुल है वो पीछे किस बेंच में बैठा हुआ था ना वो रॉकेट बना रहा है
पेपर का है और वो फर्स्ट बेंच पे मार रहा है। रिया नोस देवी वो जस्ट लुक एट द रॉकेट एंड सेड प्लीज कम टू अतुल। रिया ने क्या किया, देवी को बताया और देवी ने क्या किया, उसको बोला प्लीज कम टू अतुल, यानी कि प्लेन को बोल, वो जो रॉकेट बनाया था पेपर का, उसको बोल दिया कि अतुल के सामने वापस आओ। टू एवरीवन सरप्राइज रॉकेट मेड यू टर्न। सब सरप्राइज हो गए, रॉकेट जो है वो यू टर्न ले लिया। इट कुड रन, इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टूवर्ड्स अतुल। वो क्या हुआ, वो फर्स्ट रो तक तो गया ही नहीं और वो अतुल की तरफ मुड़ने लगा। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक, अतुल शॉक हो गया। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फोरहेड। अतुल बच नहीं गया लेकिन उसके फोरहेड पे आके वो प्लेन अटक लग गया। द टीचर टर्नड बैक एंड सेड, टीचर पीछे घूमी और बोली अतुल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वॉर्न्ड यू नॉट टू प्ले मिस्चीफ इन अ क्लास। बोलती अतुल मैंने आपको कितनी बार बोला है कि क्लास में मिस्चीफ मत करो। दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू, इस टाइम मैं तुम्हें पनिश करूंगी। राइट अ वन पेज रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो। उसको पनिशमेंट मिली कि आज जो तूने किया उसका प्रेजेंटेशन बना और कल असेंबली में आप बोलोगे। एस अतुल सेड ओ नो, रिया एंड देवी गिगल हाइडिंग बिहाइंड देयर टेक नोटबुक्स। क्या हुआ, अतुल ने बोला ओ नो, जब भी ऐसा अतुल को पनिशमेंट मिले तो देवी और रिया क्या किए, नोटबुक के पीछे मुंह छुपा के हंसने लगे। ड्यूरिंग लंच टाइम दे सेट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्ले ग्राउंड एंड ओपन द लंच बॉक्स। सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड नियर हर। लंच टाइम में वो दोनों साथ में लंच कर रही थी प्ले ग्राउंड में, तब देवी ने कुछ आवाज़ सुनी। शी लुक अराउंड एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स। उसने क्या देखा, बेबी बर्ड्स देखे। देवर बबल्स विच बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट। वो कौन थे, बुलबुल थे और वो अपने नेस्ट से गिर चुके थे। देवी जेंटली लिफ्ट विथ हर आइज एंड गो बैक टू योर नेस्ट। देवी ने उसको अपनी मैजिक का हिस्से लिफ्ट किया और उसको बोला कि आप अपने नेस्ट में जाओ। द बर्ड सेफली लैंडेड इन द नेस्ट एंड देयर मदर चीयर्ड हैप्पीली एंड हग देम। अब क्या हुआ, जब उसने उसके नेस्ट में रखा तो उसकी मम्मी खुश हो गई और उनको, बुलबुल की मम्मी जो थी उनको हग करने लगी। ऑन द वे होम देवी शो द स्ट्रेंज मैन अगेन। जब वो वापस जा रही थी तो उसको वो स्ट्रेंज मैन फिर से दिखा। ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड, वो देवी के पास आया, बोला देवी डियर चाइल्ड आई गिव यू मैजिक आइज, यू हैव नॉट मिसयूज्ड देम। बोलते हैं देवी मैंने तुझे मैजिक आइज दी लेकिन तुमने उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं किया। यू हैव यूज देम फॉर गुड पर्पज, तूने इसको गुड पर्पज के लिए यूज किया। सो आई एम हैप्पी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर बून। वो क्या बोलती है, बोलता है कि तुमने इसका अच्छा यूज़ किया इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुझे एक और चीज़ देना चाहता हूँ। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, तुझे क्या चाहिए। देवी श्री वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव प्लीज गिव इट टू माई फ्रेंड रिया। वो बोलती है आपको जो भी देना है आप मेरी फ्रेंड रिया को देना। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड शेड, वो मैन फिर से खुश हो गया और बोलते हैं रिया यू आर लक्की टू हैव अ फ्रेंड लाइक देवी। रिया को बोलते हैं तुम्हारे पास देवी जैसे फ्रेंड है, तुम बहुत लक्की हो। आई गिव यू द पावर टू गो एनीवेयर यू वांट, मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि आप कुछ वहाँ पे जाना हो आप जा सकते हो। यू क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ प्लेस यू एंड यू विल बी देयर, तुम्हें आँख बंद करनी है और तुझे सोचना है जैसे तुम सोचोगे तुम उस प्लेस पर पहुँच जाओगे। यू कैन होल्ड देवीज हैंड, तुम देवी का हाथ पकड़ सकती हो। एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू, और तुम देवी का हाथ पकड़ोगी और वो सोचोगे तो आपके साथ देवी भी वहाँ पे जा सकती हैं। द मैन डिसअपीयर्ड, और वो फिर से गायब हो गया। बोथ देवी एंड रिया वेर वेरी हैप्पी, अब दोनों फ्रेंड्स बहुत खुश थे। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर हैंड एंड क्लोज देयर एंड एंड थॉट ऑफ, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो आंख बंद करके सोचा। वेयर डू यू थिंक देवी एंड रिया वेंट टू गो, आपको क्या लगता है कहाँ पे गए होंगे, कहाँ पे जाना चाहते होंगे। वांटेड टू गो, कहाँ पे जाना चाहते होंगे। नाउ बोथ ऑफ देम हैड मैजिक पावर्स, अब दोनों के पास मैजिक पावर्स है। हाउ डू यू थिंक दे वुड हैव यूज देम, आपको क्या लगता है वो कैसे यूज करेंगे इसको। आपको यहाँ पे अपने आंसर लिखने हैं, यहाँ पे अपनी